भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में रिंकू सिंह और विराट कोहली ने आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के यानी कि अंग्रेजों के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि जिसको देखकर आप भी एक बार दिल से गदगद हो जाएंगे। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कैसा कहर बरसाया। अगर रोहित शर्मा पहले ही टेस्ट मुकाबले रिंकू सिंह और विराट कोहली की अगर वापसी कर लेते तो पहला टेस्ट मुकाबले का हकदार भारतीय टीम होती। पहले टेस्ट मुकाबले में शुभम गिल और श्रेयस अय्यर ने कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, ताकि उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा टीम इंडिया से। आप सभी को बता दें कि यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली और रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी कर दी और यहां पर 270 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन बल्लेबाजों को खड़े होकर के सलाम ठोका। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा कप्तान भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे दो बार, लेकिन इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूरा का पूरा रोमांचक आप लोगों को दिखाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी यहां पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिया। जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर कूद पड़े, जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में 2 छक्के 2 चौके लगा दिए और 26 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। जहां पर दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और यहां पर आप सभी को बता दें कि दूसरे ओवर में 24 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, लेकिन अभी रिंकू सिंह जैसी तूफानी आंधी मैदान पर आने को बाकी थी। रिंकू सिंह की जब बल्लेबाजी देखेंगे तो आपके एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी को बता दें कि यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोया। जहां वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर 110 रन ठोक दिए, लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया 11वें ओवर की चौथी बॉल पर, जब यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज कैच आउट का सामना कर बैठे। जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए तो उन्होंने 110 रनों की नाबाद पारी खेल डाली, शतकीय पारी खेल डाली और यहां पर रोहित शर्मा भी काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली का तूफान आया। विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में मैदान पर कदम रखते ही छक्के से शुरुआत की और विराट कोहली रोहित शर्मा की जोड़ी ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम बल्लेबाजी किस तरीके से कर रहे हैं। यहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोया। जहां पर शुभमन गिल को खेलना चाहिए वहां पर विराट कोहली को खिलाया गया और शुभमन गिल को टीम इंडिया से छुट्टी कर दी गई। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से महज 15 ओवर में 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ दिए, जहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते बचा। आप सभी को बता दें कि यहां पर 16वें ओवर में रोहित शर्मा ने 3 छक्के 3 चौके लगातार जड़ दिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। जहां आप सभी को बता दें कि 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर मुकाबला काफी ज्यादा ये गहरा होता जा रहा था। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से जो है जमकर के गेंदबाजों को धो रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया 41वें ओवर की छठी बॉल पर, जो पॉप के हाथों रोहित शर्मा कैच आउट करा बैठे। जब रोहित शर्मा आउट हुए और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्लीन बोल्ड हुए, उसके बाद मैदान पर वापसी होती है घातक विस्फोटक बल्लेबाज की। जी हम बात करने वाले हैं विकेट कीपर केएल राहुल की। विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर विकेट कीपर केएल राहुल आ गए। विकेट कीपर का बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन उनका बल्ला काफी ज्यादा चलता है। आप सभी को बता दें विकेट कीपर केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी और यहां पर भी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की पहले टेस्ट मुकाबले में और 86 रनों की नाबाद पारी खेली। आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर केएल राहुल काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कम बोलते हैं और बल्ले से कुछ ज्यादा बोलते हैं। विकेट कीपर केएल राहुल को भारतीय बल्लेबाजों से कुछ सीखना चाहिए। आप सभी को बता दें कि विकेट कीपर केएल राहुल की बल्लेबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को कुछ सीखना चाहिए, ताकि टिककर मैदान पर खेलना चाहिए, रुककर खेलना चाहिए। विकेट कीपर केएल राहुल ने यहां पर भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और महज सिर्फ अपने 5 ही ओवर खेले और 5 ही ओवर में 70 रन ठोक डाले। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं विकेट कीपर केएल राहुल का साथ दे रहे विराट कोहली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धो रहे थे। यहां पर अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विकेट कीपर केएल राहुल यहां पर 72वें की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए।
तो उसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर पुकार विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई। जी हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के आगे तो सब फीके पड़ गए। यहाँ पर रोहित शर्मा, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, विकेट कीपर केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड समझो तोड़ दिया। मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करने लगे और एक एक गेंदबाजों को जम करके धोने लगे। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह की खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और यहां पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने रिंकू सिंह के लिए जो बयान दिए उसको सुनकर तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। लेकिन भावुक होकर के इंग्लैंड के कप्तान ने जो बयान दिए उसको सुनकर तो आपके पैरों के तले जमीन ही खसक जाएगी। पूरा का पूरा रोमांचक आप लोगों को दिखाएंगे। यहां पर रिंकू सिंह और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और काफ़ी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ दिए। जी हाँ, 98 ओवर की बात है जो रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़े, जहाँ पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड टूट गया। और युवराज सिंह का जैसा ही रिकॉर्ड टूटा, युवराज सिंह ने खड़े होकर के रिंकू सिंह को सलाम ठोका। जहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया था। कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं था जो शतक पूरा ना कर रहा हो, लेकिन रिंकू सिंह ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से 274 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लग गया यहाँ पर जब विराट कोहली जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो गए। विराट कोहली आउट हुए, रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर अश्विन आए। अश्विन ने 41 रनों की नाबाद पारी खेली और विराट कोहली का साथ दिया। जब अश्विन भी आउट हो गए तो उसके बाद अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल ने विराट कोहली का बखूबी साथ दिया और अक्षर पटेल ने 41 नहीं बल्कि 55 यानी कि अर्धशतक रनों की पारी खेल डाली। इन बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसाया और भारतीय टीम का स्कोर पहले ही दिन आप सभी को बता दें कि यहां पर काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया। जहां की उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम उतना लक्ष्य ना पीछा कर पाई और पूरी की पूरी टीम पवेलियन का रास्ता देगी और दूसरा टेस्ट मुकाबला वॉर्म